महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की प्रगति समीक्षा बैठक कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। बैठक में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने महायोगी गोरक्षनाथ शोधपीठ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और पीठ को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने के तरीके को रेखांकित किया। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने महायोगी गोरक्षनाथ शोधपीठ की छात्र छाया में ग्लोबल स्कूलों के ढांचे का प्रस्ताव रखने के साथ ही गुरु गोरक्षनाथ ग्लोबल स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के साथ डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट लैंग्वेजेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोपियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नाथ पंथ अध्ययन विभाग, धर्म और आध्यात्मिक विज्ञान विभाग, तुलनात्मक धर्म और सभ्यता केंद्र और एशियाई और सार्क देशों के अध्ययन विभाग के साथ गुरु गोरक्षनाथ ग्लोबल स्कूल ऑफ कल्चर एवं हेरिटेज का भी प्रस्ताव रखा। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने डॉक्टर केवी राजू का स्वागत अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ किया। बैठक के अंत में रजिस्ट्रार डॉक्टर ओम प्रकाश ने धन्यवाद ज्ञापन किया। बैठक का शुभारंभ प्रोफेसर रविशंकर सिंह ओएसडी महायोगी गोरक्षनाथ शोधपीठ द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट के साथ की गई। बैठक में डॉक्टर प्रदीप राव, प्रोफेसर संजीत गुप्ता, डॉक्टर मनोज गौतम, श्री के डब्ल्यू खान, रजिस्ट्रार डॉक्टर ओम प्रकाश, पीआरओ महेंद्र कुमार सिंह और एपीआरओ डॉक्टर रुचिका सिंह भी मौजूद रहीं।